हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान के, ठीक है, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और भी उत्तर के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। अगर आप लोग क्लास टेंथ सोशल साइंस की तैयारी हमारे चैनल से करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी को बताते हैं वो सभी क्वेश्चन NCERT बुक के रहते हैं। और जब भी आप सभी का बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है तो वो NCERT बुक का ही बनता है, ठीक है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम है वो NCERT बुक से ही बनेंगे। तो इसलिए देखिए, अगर आप लोग NCERT क्वेश्चन की तैयारी करोगे और अगर आप लोग अपनी टारगेट बनाओ कि इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ पे राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ जो हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था, ठीक है। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यानी ये जो बहुविकल्पी है ये एक तरह से और भी दे सकता है, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, और किस देश से हुआ था, तो वो फ्रांस से हुआ था। और कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है। तो यहाँ पे यानी फ्रांस में। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जो न्यू पैटर्न है ना, इस बार आपके क्लास टेंथ साइंस में 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा। इसलिए देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को भी तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका थी, ठीक है, वो ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। किसका था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो जो असहयोग आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है, गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाए थे? 3 आंदोलन को चलाया था, ठीक है। पहला असहयोग आंदोलन है, ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। और देखिए, आपको इन तीनों आंदोलन का नाम भी याद कर लेना है और इसके पूरे विस्तार से याद कर लेना है, यानी असहयोग आंदोलन का पूरा कारण, ठीक है, कब चलाए गए थे, इन सब चीजों को याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो आपको इसको भी तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो यहाँ पे रॉलेट एक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन घ राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, वो यानी कि भारत में कब गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो वो 1931 ईस्वी में, यानी ऑप्शन घ राइट है, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे तो उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पर सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक वायरल पेपर की भी वीडियो डेली अपलोड हो रही है। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जल्दी से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% गारंटी है कि पक्का आएगा, ठीक है। 101% हम आपको गारंटी देते हैं, जितने भी हम क्वेश्चन बताते हैं ना पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो आर्थिक महामंदी जो है इसका प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो आपके एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन है, लगातार आते हैं, ठीक है, और इस बार भी 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। इसलिए आप लोग देखिए, इसको जरूर तैयार कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल छप चुके हैं आपके पेपर में। तो यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय यहाँ पे न्यूयॉर्क में स्थित है।
इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध था उसका प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आठवां क्वेश्चन, भूमि एक संसाधन है और यहाँ पे डैश डैश किया है और यहाँ पे चार दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें से कोई एक यहाँ पे भराएगा। ठीक है, तो जो भूमि है वो क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे, ठीक है, जो आप सभी का इतिहास है सामाजिक विज्ञान का पार्ट, वो पूरा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी उसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी सब कुछ बता चुके हैं हम। और उसके बाद भूगोल जो है वो 5 चैप्टर तक पूरी कंप्लीट करा दिए है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वहां पे भी दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में भी जाकर देखिए और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इन सभी को तैयार कर लेते हो ना, तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनोगे। तो इसलिए देखिए आपको सभी को तैयार कर लेना है और जब भी आप लोग कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, या प्री बोर्ड या द्वार्षिक, ठीक है, या बोर्ड परीक्षा, तो आप लोग पेपर को तैयार कीजिए, उसके साथ साथ आप लोग हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न बताते हैं उसको भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पेपर को ही तैयार करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो जो लाल पीली मिट्टी है वो मालवा प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन था वो एक परिवार के द्वारा चलाया गया था और ये वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लोग काट रहे थे, तो एक ऐसी परिवार था, ठीक है, जो कि क्या किया कि पूरे लोग संगठन करके पेड़ों में चिपकने लगे कि अगर आप लोग पेड़ को काटोगे तो मुझे काट दो। ठीक है, तो इसलिए वो पेड़ में क्या हो गए, चिपकने लगे, जिसके कारण उस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। लेकिन जितने लोग भी चिपके थे, ठीक है, उसमें से आधे लोगों को काट दिया गया था उस समय, तो इसलिए ये आंदोलन चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो ये किसके लिए, वन संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो ये जो जूट है ये क्या रेशेदार फसल है। इसमें से नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। अब रबी की फसल मतलब क्या होता है, यानी गर्मी की फसल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कपास है, बाजरा है, धान है, ये सब सब किसमें उगते हैं, जाड़े के मौसम में होते हैं, सर्दी के, और ये जो दाल होती है ये किसमें होती है, रबी की फसल है, क्योंकि ये गर्मियों में होती है, इसको यानी जो दाल होता है उसको पकने के लिए गर्मियों में ही अच्छे धूप मिलते हैं, तो इसलिए जो दाल है वो रबी की फसल है। इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप लोग ऐसे चैनलों से बिल्कुल भी स्टडी मत कीजिए जो कि NCERT की वीडियो आप सभी लोगों के लिए न प्रोवाइड कराता हो। ठीक है, क्योंकि जो आपके पेपर बनेंगे ना वो सिर्फ NCERT बुक से ही बनेंगे, इसलिए आप लोग ऐसे ही चैनल से स्टडी कीजिए जो NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डेली देता हो। ठीक है, वो चैनल हमारा है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करोगे तो हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी आपके पेपर में आएंगे 100%। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग अगर टॉपर बनना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, तो आप लोग ऐसे ही चैनलों से पढ़िए जो NCERT का देता हो। ठीक है, कई ऐसे चैनल है जो व्यूज के लिए कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, फालतू क्वेश्चनों को भी दे देते हैं आपको, और आप लोग ऐसे चैनल से स्टडी करते हो, सोचते हो मेरा 95 आएगा, लेकिन क्या होता है जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि वो फालतू क्वेश्चन थे, NCERT के नहीं थे, जिससे आपका 70-75% ही आता है और कुछ स्टूडेंट तो फेल भी हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए आप लोग बहुत ही सावधान रहिए, जो आपके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसके चैनल से आप लोग मत पढ़िए। के बाद देखिए नेक्स्ट है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से, तो जो हेमेटाइट है ना वो लो अयस्क का है। ठीक है, यानी इसका संबंध किससे है, लो अयस्क से है। इसके बाद नेक्स्ट है, कोबरा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे देखिए जो कोबरा है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए जो हम आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन ये बता रहे हैं ना, ये पूरे आपके सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, यानी आपके पूरे सामाजिक विज्ञान का सबसे हर्ट, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग का मतलब क्या होता है? सबसे लंबा सड़क कौन सा है, ठीक है, और काफी अच्छा, तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। इसको आप लोग तैयार रखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, यानी कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो यहाँ पे मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मोस्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो वो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो देखिए पहले 7 था लेकिन अब क्या हो गया, एक बढ़ गया है जो कि 8 हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि भारत में, ठीक है, जब वोट देने लोग जाते हैं ना उसे मताधिकार कहते हैं, ठीक है। यानी वोट देने वाले जो लोग जाते हैं उसके उम्र कितनी होनी चाहिए कि वो वोट दे? तो इसका आप लोग आंसर खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप कि ये चीजें सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 26 जनवरी, 10 दिसंबर, 14 अगस्त और 15 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखित संविधान हुआ लागू वो 26 जनवरी को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% गारंटी है पक्का आएगा, ठीक है। और इससे पहले हमने बताया जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिए, और आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितना ही शेयर करेंगे हम आपको उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग सभी पेपर को, बोर्ड एग्जाम के पेपर, ठीक है, प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक पेपर सभी हमारे चैनल पे आप लोग जरूर से देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।